इस वीडियो अपडेट में आज हम बात करेंगे विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन के नए रूट के बारे में। दरअसल 16 जनवरी से 28 जनवरी तक विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन नए रास्ते से देखने को मिल रहा था और यही वजह थी कि लोगों को परेशानी हो रही थी और लगातार इस ट्रेन के पहले वाले रूट से चलाने की बात भी हो रही थी। दरअसल रेलवे की ओर से मेगा ब्लॉक लिया गया था और इस मेगा ब्लॉक में इस रास्ते से गुजरने वाली दर्जन भर से भी ज्यादा ट्रेनें कैंसिल हुई थी और नए रास्ते से चल रही थी। यही वजह थी कि भागलपुर, किउल, मुंगेर और जमालपुर के रेल यात्रियों के लिए थोड़ा परेशानी का दिन और इस दौरान कोई अन्य विकल्प भी नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 29 जनवरी यानी कि आज से ही विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन अपने निर्धारित और पुराने मार्ग से चलना भी शुरू कर दी है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी क्या आने वाले समय में जिस रास्ते से विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन चल रही थी 26 जनवरी से पहले, क्या उस रास्ते पर कोई ट्रेन मिलेगी या फिर नहीं। लेकिन इसी ओर आपको बता दें कि विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12367 जो कि भागलपुर से आनंद विहार के बीच चलती है, इसके टाइम टेबल और रूट में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। आज से यह ट्रेन सुल्तानगंज, बरियारपुर, जमालपुर, धराड़ा, अभयपुर, कजरा, किउल के रास्ते होते हुए पटना पहुंचेगी और वहां से यह ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल तक जाएगी। 1206 किलोमीटर का सफर यह ट्रेन तय करेगी भागलपुर से। टाइमिंग रहेगा 11:50 पर सुबह में और यहां से खुलते हुए यह ट्रेन तमाम रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। पहले यह ट्रेन बांका होते हुए किउल जाती थी, बांका जेसीडी होते हुए यह ट्रेन किउल पहुंचती थी, फिर किउल से यह ट्रेन पटना के लिए खुलती थी। लेकिन आज से यह ट्रेन अपने पुराने वाले मार्ग से चलेगी, तो ऐसे में जिन यात्रियों को इसका इंतजार था उनके लिए बड़ी खबर निकल के सामने आ चुकी है। तो ये था आज का हमारा लेटेस्ट वीडियो अपडेट। यह अपडेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही नई ट्रेनों के अपडेट के लिए हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब।